टाटा आईपीएल 2022 मैच नंबर 23 पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच महाजंग। जी हां दोस्तों, आईपीएल के मुकाबले रोमांचक हो चले हैं। हर मुकाबले में हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला है, जहां पर चौके छक्कों की पूरी बरसात देखने को मिली, साथ ही साथ गेंदबाजों के साथ अत्याचार। लेकिन इस मुकाबले में भी कुछ वैसा ही हाल कर दिया गब्बर पाजी ने और कप्तान पंजाब किंग्स के मयंक अग्रवाल ने, साथ ही साथ इनका पूरा साथ मिला जितेश शर्मा और शाहरुख खान के द्वारा। आपको बताएं, पंजाब किंग्स की तरफ से पहले बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ रन बरसाए गए फर्स्ट इनिंग के दौरान, जहां मुंबई की गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई। और अभी तक मुंबई इंडियंस ने अपने चारों मैच शुरुआती गंवाए थे, जिसके बाद हर किसी को यही लग रहा है कि मुंबई की टीम में वो बात नहीं रही। इनकी टीम में जब तक हार्दिक पांड्या थे, ट्रेंट बोल्ट थे, कुरनल पांड्या थे, तब तक ये टीम मजबूत थी। लेकिन अब ये टीम काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है और साफ झलकता है गेंदबाजी में भी कि ट्रेंट बोल्ट जैसा गेंदबाज खोना इनके लिए महंगा पड़ा। लेकिन बात करते हैं इस मैच नंबर 23 के फर्स्ट इनिंग हाईलाइट के बारे में कि किस तरीके से पंजाबी किंग्स के बल्लेबाज ने यहाँ पर बहुत बेहतरीन करके बल्लेबाजी टीम के लिए 198 रन बनाया फर्स्ट इनिंग के दौरान, वो भी 5 विकेट खोते हुए। गब्बर पाजी का बल्ला खूब चला, कप्तान ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। जितेश शर्मा जो इस सीजन काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं अपनी विकेट कीपिंग से और प्लस बल्लेबाजी से भी, तो उनकी भी तारीफ करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो आप सभी को बताएं, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के लिए ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक है, क्योंकि सीज़न अभी तक फर्स्ट इनिंग तक ये जो पॉइंट्स टेबल कहती थी, मुंबई इंडियंस की टीम 4 में से 4 मैच हारी थी, वहीं पंजाब 7वीं पोजीशन पर थी 4 में 2 जीत और 2 हार के साथ। लेकिन इस मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला NCMCA यानी कि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे के मैदान पर खेला गया, जहां पर रोहित शर्मा की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन पंजाबी बल्लेबाजों के आगे शायद ये फैसला खराब रहा। आज मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 हमें नजर आई, रोहित शर्मा, ईशान किशन, ड्वेल ब्राविस, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, किरण पुलाट, जयदेव उनाडकट, मुर्गन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, टैमल मिल्स और बैसिल थम्पी हमें नजर आए। वहीं पंजाब किंग्स की बात करें तो पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 में मयंक अग्रवाल, शिखर धवन, जॉनी बेस्टो, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा और इनके साथी खिलाड़ी, जहां पर हमें देखने को मिले ओजन स्मिथ को फिर से मौका दिया है। पिछले गुजरात टाइटंस के मुकाबले में 2 छक्के खाने के बावजूद आखिरी गेंदों पर इनको मौका मिला है। लग रहा था कि इनकी जगह भानुका राजपक्षे को आज मौका मिल सकता है या फिर किसी और खिलाड़ी को मौका मिल सकता है, लेकिन ओजन स्मिथ को खिलाया गया। शाहरुख खान, कगिसो रबाडा, राहुल चहर, वैभव अरोड़ा और अर्शदीप सिंह हमें देखने को मिले पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 में। सीजन की शुरुआत बहुत जबरदस्त करी थी यहां पर पंजाब किंग्स की टीम ने, लेकिन यहां पर अब मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस की कप्तान रोहित शर्मा, जो भारतीय टीम के तीनों ही फॉर्मेट के कप्तान है, टेस्ट, T20 और ODI के, वो इस सीजन काफी फ्लॉप नजर आए कप्तानी के दौरान और बल्ले से भी। लेकिन पंजाब किंग्स की बात करें, इस मुकाबले में मैच नंबर 23 पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 198 रन यानी कि 198 रन जितना बड़ा स्कोर खड़ा करा, जहां शुरुआत करी कप्तान मयंक अग्रवाल और उनके साथी खिलाड़ी गब्बर पाजी शिखर धवन ने। जी हां दोस्तों, शिखर धवन की बात करें तो वैसे तो पहले दिल्ली कैपिटल्स से भी खेल चुके हैं और सनराइजर्स हैदराबाद से भी खेल चुके हैं, लेकिन पंजाब किंग्स से खेलना शायद इनके लिए रास आ चुका है इनको। और ये सीज़न काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं शिखर धवन। इस सीज़न 8 करोड़ 25 लाख की बड़ी कीमत पर इन्हें पंजाब किंग्स की टीम ने खरीदा था। दिल्ली कैपिटल्स ने भी इन पर दाव लगाया था, लेकिन पंजाब इन्हें खरीदने में कामयाब रही थी और अब ये पैसा वसूल होता नजर आया, जहां मयंक अग्रवाल और शिखर धवन ने आज ओपनिंग ही 97 रन यानी कि 97 रन की दी थी। वैसे जो स्कोर 215-220 जाना चाहिए था शुरुआत के हिसाब से, वो 97 रन पर ही रुक गया, क्योंकि कप्तान मयंक अग्रवाल 32 गेंदों में 52 रन यानी कि 32 बॉल में 52 रन बना 6 चौके 2 छक्के की मदद से आउट हुए थे। 162 के बीच स्ट्राइक रेट था 162 रन का। मुर्गन अश्विन ने यहां पर उनका विकेट लिया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा था कि ये पहला ब्रेक थ्रू आया, लेकिन इन्होंने शुरुआत में पावर प्ले में और 10 ओवर के अंदर अंदर बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा रन बटोरे थे, जो टीम के लिए काम आए मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जॉनी बेस्टो का बल्ला शांत रहा। शिखर धवन तो अपने अंदाज से ही अपनी पारी को एक तरीके से नई दिशा दे रहे थे, लेकिन जॉनी बेस्टो महज 13 गेंदों में 12 रन ही बना पाए एक चौके की मदद से। जयदेव उनाडकट ने सीधा उनको विकेट करके चलता किया था 14वें ओवर की 5वीं गेंद तक, जब तब तक टीम का स्कोर 127 यानी कि
127 रन ही पहुंच पाया था। तो जयदेव उनादकट ने यहाँ जॉनी बेस्टो को चलता किया, इनको बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। जब जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों की मार पड़ रही थी तो लास्ट में जयदेव उनादकट ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी करी, लेकिन लास्ट में इनको भी काफी रन पड़े जितेश शर्मा और शाहरुख खान के द्वारा। आपको बताएं जॉनी बेस्टो का विकेट गिरने के बाद मैदान पर आए लियाम लिविंगस्टोन, जो इस सीजन कुछ अलग ही तेवर के साथ उतरे हैं। लियाम लिविंगस्टोन ने आते ही यहाँ पर कुछ बड़ा खेलने की शॉट कोशिश करी, लेकिन उसके बाद हमने देखा जब अगला ही ओवर आया था यहाँ पर जसप्रीत बुमराह का, क्योंकि रोहित शर्मा का माइंड तो ये कहता है कि एक विकेट गिरी है तो अपने मेन विकेट टेकर गेंदबाज को लगा दो जो दूसरा विकेट भी जल्दी लेके दे। तो यही हुआ लियाम लिविंगस्टोन का, उसके अगले ओवर में ही 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर 130 रन पर यहाँ पर विकेट गिरा और ये बहुत बड़ा विकेट था। लियाम लिविंगस्टोन के बारे में आपको जितना बताया उतना कम है, 108 मीटर का सीजन का सबसे लंबा छक्का इनके बल्ले से ही देखने को मिला था। याद रहेगी वो पारी जो इन्होंने अभी पिछले कुछ मुकाबलों में लास्ट दो मुकाबलों में खेली थी। जितेश शर्मा आए यहाँ पर शिखर धवन का साथ देने के लिए, लेकिन गब्बर पाजी जो एक अच्छी पारी खेल रहे थे वो 17वें ओवर की छठी गेंद पर आउट होते हैं जब टीम का स्कोर 151 यानी कि 151 पहुंच जाता है। तो शुरुआत बहुत अच्छी रही थी पंजाब किंग्स की, 10 ओवर के अंदर इनके 97 यानी कि 100 रन करीब बन चुके थे, लेकिन 15-16 ओवर तक आते आते इनकी गाड़ी बिल्कुल धीमी हो गई थी। 50 गेंदों में 70 रन की पारी शिखर धवन ने खेली थी, 50 ओवर में 70 रन की, 5 चौके 3 छक्के इनकी इस पारी में थे, 140 के बीच स्ट्राइक रेट था। बासिल धम्पी ने इनका विकेट लिया था, कैच पकड़ी थी पोलार्ड ने, बड़ी ही आसान सी वो कैच थी। मुंबई का खेमा काफी कुछ नजर आया था, लेकिन जितेश शर्मा का साथ देने के लिए आए शाहरुख खान, जिन्होंने लास्ट के कुछ ओवरों में अच्छे रन बनाए। लास्ट के 3 ओवर में अगर देखा जाए तो ज्यादा अच्छे रन बनाए, क्योंकि वहां से करीब करीब यहां पर टीम के लिए 47 रन जोड़े जो एक अच्छी बात थी। जितेश शर्मा ने उसमें 15 गेंदों में 30 रन का नाबाद योगदान दिया, 2 चौके 2 छक्के की बदौलत 200 का स्ट्राइक रेट था। तो इस बीच शाहरुख खान ने 6 गेंदों में 15 रन 2 छक्के की बदौलत खेला, 250 का स्ट्राइक रेट था। इस बीच बैसिल थम्पी ने यहां पर उनका विकेट लिया था, वो भी आखिरी के ओवर की, जब लास्ट 2 गेंदें बची थी उससे पहले विकेट गिरा था। 20वें ओवर की चौथी गेंद पर 197 रन स्कोर था, लास्ट की 2 गेंदों में फिर एक ही रन आया वहां पर, जो कि कह सकते हैं ऑडियंस सीमित ने सिर्फ सिंगल लिया था, लेकिन जितेश शर्मा की पारी नाबाद जो थी 15 गेंदों में 30 रन की वो टीम के लिए काफ़ी किफ़ायती साबित रही। गेंदबाजों की बात करें तो 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था। बैसिल थम्पी ने 4 ओवर में 47 रन देते हुए 2 विकेट चटकाए, जयदेव उनादकट ने 4 ओवर में 44 रन दिया, आखिरी के कुछ ओवर में इनको बहुत मार पड़ी, 1 विकेट इन्होंने चटकाया। बुमराह हर बार की तरह शुरुआती 2 ओवर में 16 रन बुमराह ने दे रखे थे, लेकिन लास्ट के फिर 2 ओवर में इन्होंने ज़्यादा रन नहीं दिए, करीब यहाँ से 12 रन ही दिए और 4 ओवर में 28 रन देते हुए 1 विकेट चटकाया। मुर्गन अश्विन ने पहला विकेट चटकाया था मयंक अग्रवाल के रूप में, 4 ओवर में 34 रन देते हुए। टाइमल मिल्स को वापस लाए थे कप्तान रोहित शर्मा 4 ओवर में 37 रन देते हुए, वो विकेट नहीं चटका पाए, लेकिन पंजाब किंग्स ने पहली पारी के दौरान 198 रन बना दिया, बनाने हैं यहाँ पर 199 रन मुंबई इंडियंस की टीम को। कैसे वो चेस करती है आप सभी को ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से यहाँ पर वो चेस कर पाएगी, क्या सफल हो पाएगी उस चेज में, ये एक दिलचस्प बात रहेगी। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की 4 लगातार हार के बाद सभी की हालत टाइट है कि सीजन क्या होगा। बीती रात हमने देखा बैंगलोर और चेन्नई के मुकाबले में चेन्नई की टीम ने जीत हासिल करके बहुत बड़ी यहाँ पर खुशखबरी दी अपने फैंस को और सीजन में वापसी की हुंकार भर दी, ऐसी कुछ उम्मीद हम मुंबई इंडियंस से भी रखेंगे। साल 2015 का सीजन फैंस भूले नहीं होंगे, 4 हार के बावजूद भी शुरुआत में मुंबई इंडियंस ने खिताब अपने नाम किया था, कुछ वैसे ही यहाँ पर वापसी की उम्मीद रहेगी मुंबई इंडियंस के फैंस को। तो बल्लेबाजी मजबूत है, लेकिन 199 का टारगेट चेस करना है, अब देखते हैं चेस कर पाते हैं या नहीं। ये था फर्स्ट इनिंग का हाईलाइट, उम्मीद करते जानकारी पसंद आई होगी। अभी और पूरे मैच की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, आप ये मैच देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार ऐप पर। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।